खबर मथुरा से। कृष्णा अग्निहोत्री भजन गायक ने भजन गाकर बांधा समा। गोपाष्टमी पर्व पर मसानी बाईपास लिंक रोड चित्रकूट के पास स्थित सेवादास आश्रम में पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवत प्रवक्ता के सानिध्य में अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति द्वारा एक धार्मिक आयोजन रखा गया, जिसमें काफी महिलाओं ने बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें सर्वप्रथम महिला समिति की मात्र शक्ति लक्ष्मी जी का हवन किया गया। हवन करने के बाद गौ माताओं का पूजन किया गया तथा भजन संध्या में विख्यात भजन गायक कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। पूरा मंदिर परिसर राधा रानी के जयकारों से गूंज उठा। उसके बाद संत सेवा की गई, तदुपरांत भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज गोपाष्टमी है और सर्वप्रथम आप सबको गोपाष्टमी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी पर्व पर यहाँ पर श्री सेवादास आश्रम मसानी चौराहा के निकट जो बाईपास लिंक रोड है, यहाँ पर मसानी पर सेवादास आश्रम स्थित है। यहाँ पर आज अग्रोहा प्रेरणा अग्रोहा विकास समिति महिला समिति के द्वारा आज यहाँ सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का हवन रखा गया। लक्ष्मी जी के हवन के बाद में गौ माताओं का पूजन हुआ, उनको भोजन कराया, चारा डाला, गुड़ खिलाई और उसके बाद में पूजन के बाद में समिति ने गौ दान भी किया। उसके बाद अभी कुछ ही पलों में भजन संध्या का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें भजन गायक कृष्णा अग्निहोत्री कुछ ही समय में आप बीच में आने वाले हैं। भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, तदुपरांत संत सेवा होगी, उसके बाद सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इसके साथ साथ में एक और खुशी हुई, महिला समिति ने अभी मुझे बताया कि एक कोई बहुत जरूरतमंद हैं तो उनके ऑपरेशन के निमित्त सहयोग भी ये समिति कर रही है। अब इस समिति के और क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कार्य करती है, कैसे कैसे करती है, महीने में या वर्ष में कितने कार्यक्रम करती है, इसके पूरी जानकारी आपको, मेरे साथ में खड़ी हैं श्रीमती रश्मि बंसल जी जो अभी अध्यक्षा जी, तो सर पर आपको ये पूरी पूरी जानकारी देंगी अपनी समिति के बारे में कि क्या क्या कार्य करती है इस समय वर्तमान में ये समिति की अध्यक्षा जी। की जय बोलो, गोपाष्टमी की जय, महापर्व की जय। आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में मैं सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वैसे तो हमारी अध्यक्षा ने सब बता दिया, लेकिन मैं हमारा समिति का उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ कहीं भी सेवा करने की जरूरतें पड़े, हमारी समिति तत्पर हो जाती है, वहाँ ऐसा कुछ कर चले सके, इस काल चक्र के आते आते ऐसा कुछ कर चले सके, इस काल चक्र के आते जाते धरती महके अंबर महके, धरती महके अंबर महके और महक चले जग सारा जाते जाते। तो इसका मतलब यही है कि हम इतनी महक प्रेरणा समिति से हमारी सारी सखियां महका रही हैं कि मथुरा शहर में आज प्रेरणा को लोग जानने लगे हैं। हमारी जैसा कि हमारी अध्यक्षा जी ने बताया कि हम कोई भी एक सूचना डालते हैं ग्रुप में कि वहां हमारी सेवा की जरूरत है, तत्पर उसी समय सारी सखियां तैयार हो जाती हैं, भाभी इतना मेरा सहयोग, भाभी इतना मेरा सहयोग, भाभी इतना मेरा सहयोग। इसलिए हमारी प्रेरणा पूरी सहयोग वाली सखियों का एक ग्रुप है, जो कहीं भी जहां भी जरूरतें आन पड़ती हैं हमारी प्रेरणा उपस्थित हो जाती है वहां। धन्यवाद, ज्यादा हर्ष हो रहा है, हर्ष के साथ ये सूचित कर रही हूँ कि आज हमारी प्रेरणा महिला समिति द्वारा प्रेरणा अग्रवा विकास ट्रस्ट महिला समिति है, जो हमेशा अनेकों सेवा के काम करती रहती है और इनके हम सेवाओं की अगर गिनती करें तो हमें कुछ मेरे को गिनती भी अच्छे से याद नहीं है। तो हमारी आज प्रेरणा समिति ने बहुत अच्छा है कि ये कार्य करा है, जिसमें हमने गौ दान किया है, लक्ष्मी जी का हवन किया है, साधु सेवा करेंगे और है ना भजन संध्या भी करेंगे। ये कार्तिक मास की पुण्यतिथि है जो गोपाष्टमी, इसके
उपलक्ष्य में हमारी सब महिला समितियों द्वारा, मतलब हमारी प्रेरणा महिला समिति द्वारा सारी महिलाओं का योगदान है इसमें, इस गौदान में, और ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इसके लिए मैं सबके बहुत दिल से आभारी हूँ। और हमारी संस्थापिका संयोजिका रजनी भाभी और रंजना भाभी दोनों हैं, वो आपको डिटेल सारी बताएंगी अच्छी तरह से। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है, मतलब मेरी इतनी ज्यादा खुशी है, कल से मेरी नींद ही गायब थी कि आज मुझे ये करना, मैं रात भर यही सोच रही थी कि क्या सेटिंग बनानी है, सब काम प्रॉपर हो जाए, पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है, उनका मैं कितना धन्यवाद हूँ मैं बता नहीं सकती। और साथ में हमारी सहेलियां जो सखियां हैं बहुत अच्छी है, सब सहयोग करते हैं, बस कहने मात्र की देरी है, सबके सहयोग मिलने शुरू हो जाते हैं। वो हमसे बात करें और हमारे एंट्रीज ले हमारे इस ग्रुप में, समिति में, क्योंकि उनकी एंट्रीज द्वारा हम सारे धर्म के काम, सेवा के कार्य जो महिला आती है उसकी एंट्री से करते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, JK न्यूज़।